वेलकम टू ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब के अपडेट्स लेकर आता हूं आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आता हूं। अगर आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में मेंशन करके रखिए। जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, इस जॉब को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपके लिए इंडियन पोस्ट की, छत्तीसगढ़ की और बिहार की जॉब लेकर आया था। उसकी अगर आपको वीडियोस देखनी है, अगर आप उसका फॉर्म अभी भी फिल करना चाहते हैं, क्योंकि डेट अभी अवेलेबल है, उसकी ख़त्म नहीं हुई है, उसकी इमेजेस मैंने वीडियोस के एंड में लगा दी है, और आप जो है वो देख लेना और आप उसका भी फॉर्म फिल कर लेना। पोस्ट नेम की बात करते हैं इसमें, तो पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन की ये पोस्ट है, तो HP पोस्टल सर्कल के अंडर ये आएगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर, लेकिन हमेशा की तरह अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करके और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर, तो आज डेट अप्लाई करने की इसकी 20/11/2017 है, तो 20/11/2017 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत लंबा पीरियड है, करीबन एक महीने से ज्यादा है। अभी लोकेशन हिमाचल प्रदेश रहेगी दोस्तों, ये क्योंकि हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ही जॉब है, तो हिमाचल प्रदेश में लोकेशन रखी है इन्होंने। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अनरिजर्व OBC के लिए 100 रुपये फीस लगेगी, प्लस 300 रुपये एज एग्ज़ाम फ़ी लगेगी, यानी 100 रुपये तो लगी लग रही है और साथ में 300 रुपये ये एग्ज़ाम फ़ी भी मांग रहे हैं। SC ST ESM और वुमेन के लिए 100 रुपये फीस लगेगी और कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगेगी। फ़ी कैसे पे करनी है, फ़ी आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जिसे आप IPO बोलते हैं, और DD के द्वारा पे कर सकते हैं। DD किसके फेवर में बनाना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 साल एज होने चाहिए, एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, तो SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं आगे, वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे तो पोस्टल असिस्टेंट और पोस्ट में मैंने आपको बताई दी है, दो जो है प्रोफाइल है यहाँ पर। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, 8 पोस्ट है, लेकिन हमेशा की तरह बोलूँगा कि आप जो है ये मैं सोच रहा कि कम पोस्ट है, मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं, आपकी तैयारी है, तो आप इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिए। सैलरी जो है 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक सैलरी रहेगी, प्लस अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12वीं पास होना, और 12वीं में आपके जो है इंग्लिश सब्जेक्ट कंपल्सरी मांगा है। अगर आपका 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट है और था 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आप इसका फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने थोड़ा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिक्वायरमेंट मांगी है। अगर आप स्टेट लेवल के चैंपियन है, चैंपियन नहीं बोलूंगा, अगर आपने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, तो फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म अटैच करते वक्त अपना जो है उसका सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एजुकेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स की जो है आपके ट्रायल होंगे, स्पोर्ट्स का आपको देना पड़ेगा, जो असेसमेंट होता है काइंड ऑफ आपको देना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इसके फॉर्म में ना कुछ इश्यू आ रहा है, आप उस फॉर्म को ट्राई करते रहना, अगर जिस दिन उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो सही है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आपसे वो फॉर्म नहीं डाउनलोड होता तो आपको क्या करना है, आपको A4 साइज की शीट लेनी है और जो है उसके साथ अपनी डिटेल्स लिखनी है, मीन्स A4 साइज की जो है शीट पर आपको सारी डिटेल लिखनी है, जैसे नाम हो गया, फादर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन, जितनी भी डिटेल्स होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी। अगर फॉर्म नहीं मिलता, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ट्राई करूँगा कि आपको फॉर्म मिल जाए जल्दी से जल्दी। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स की है, सर्टिफिकेट की है एंड फोटोग्राफ, पेमेंट स्लिप लगानी है, जैसे कि IPO बनाओगे तो वहाँ से पेमेंट स्लिप मिलेगी, और 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप जो आपका 10x23 का होना चाहिए, और जो है 45 रुपये की उस पर पोस्टल स्टैंप लगेगी इन एन एनवलप, तो एनवलप पे आपकी 45 रुपये की जो है स्टैंप लगेगी, और आपको भेजना कहाँ है, टू द चीफ पोस्टल मास्टर जनरल RNE सेक्शन HP सर्कल, ये आपका कसुमपति शिमला HP 171009। तो आपको टू द चीफ पोस्टल मास्टर जनरल के ही फेवर में आपको DD या IPO बनाना है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि और लोगों को भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। धन्यवाद दोस्तों।